सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्यन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं मुकीम अंसारी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई ऑफिशियली मॉडल पेपर में संस्कृत के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन। तो इससे पहले 8 मार्च का जो क्वेश्चन संस्कृत में पूछा जाता है उसका ये वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम हो गया होगा कि इस बार मैट्रिक एग्जाम 2021 में संस्कृत में 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सभी प्रश्नों के साथ 4-4 विकल्प दिए गए होंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चनों में से केवल आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब OMR शीट में रंगना होगा। तो आइए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, दर्शन शास्त्र। उसके बाद में अगला सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? आप सभी अगर मंगलम पाठ को पढ़े होंगे तो उसमें हम आप सभी को बताए थे कि सत्यमेव जयते ना अनृतम, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। तो ये जो उपनिषद था ये मुंडक उपनिषद था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मुंडक उपनिषद। उसके बाद में अगला सवाल है, क्वेश्चन 3 में, ये भी मंगलम पाठ से लिया गया है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो उसमें अश्लोक में बताया गया है कि अरुण अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम, अर्थात छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आत्मा जीवों के शरीर रूपी गुफा में निवास करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जीवों के शरीर रूपी गुफा में। अगला सवाल है, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो अगर आप पाटलिपुत्र वैभव पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कौमुदी महोत्सव जो है वो शरद ऋतु में मनाया जाता था, और किस वंश के शासनकाल से मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल से पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला सवाल है क्वेश्चन 5 में, कि सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, एशिया का सबसे लंबा पुल गंगा नदी पर बना है। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पाटलिपुत्र अर्थात पटना। उसके बाद में अगला सवाल है, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो काव्य मीमांसा जो महाकाव्य है उसकी रचना जो है वो राजशेखर के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, राजशेखर। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 9 में, कि शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी? तो शिव प्लस उपासक का जो संधि होगी ना वो हो जाएगा शिवोपासक, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, महानगरम में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कर्मधार समास है, महानगरम अर्थात महान है नगर। अगला सवाल है क्वेश्चन 11 में, प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? प्राचीनम, अगर आप देखेंगे प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, प्र जो है इसमें उपसर्ग है, प्राचीनम में प्र उपसर्ग है। अगला सवाल है, सदैव में किन वर्णों की संधि हुई है? तो सदैव का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनाएंगे, सदा ऐसे बनाते हैं हम लोग, देखिए सदा जोड़ एवा बनाते हैं बराबर सदैव होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अ का आ मिला हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो ए मिला हुआ है, तो आ प्लस ए कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है ना, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 13 में, कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? बिना जो है उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें तृतीया विभक्ति होती है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 14 में, क्वेश्चन 14 में बोला गया है, धारेन रुक्त मन कह सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन सा होगा? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, दिनेश सुरेशयाय सतमम धारयति। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? काफ़ी सिंपल सवाल है, उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर मालूम ही होगा।
यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है, तो मुनि मुनि अभियाम मुनि भी होता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 में कि विपत्ति, देखिए यहाँ पे दिया गया पिबति किस धातु का रूप है, तो पिबति जो है वो पा धातु का रूप है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है कि साधव किस विभक्ति का रूप है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी होना चाहिए, साधव जो है वो सप्तमी विभक्ति का रूप है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 18 में कि अस धातु के लट लकार का रूप क्या होगा, तो अस का क्या होता है, तीता अंति सी था, तो यहाँ पे अस्ति हो जाएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब अस्ति होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन 19 का सही जवाब देखेंगे तो टाप प्रत्यय होगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो शब्द होगा ये वनित वर्ड होगा, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे वनित होगा, इसमें मिला है टाप प्रत्यय, तो टाप प्रत्यय में टॉल ऑफ हो जाता है और प कट जाता है, आकार बनता है, तो क्या बनेगा, वनिता बनेगा ना, तो वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो टाप हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 20 में, क्वेश्चन 20 को देख लीजिए, बोला गया है कि हन प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनता है, तो हन प्लस कत्वा से हतवा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 21 में, क्वेश्चन 21 में बोला गया है कि मूल प्लस ठक से कौन सा प्रत्यय बनेगा, तो देखिए यहाँ पे ठक जो है वो प्रत्यय है, तो मूल प्लस ठक प्रत्यय लगाएंगे तो ये मौलिकः बनेगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 22 में कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होता है, तो लोट लकार अगर उत्तम पुरुष एक वचन में हम रूप देखेंगे तो यहाँ पे तपानी हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, तो पीतम का हो जाएगा इसमें अक्त प्रत्यय लगा हुआ है, तो पा प्लस अक्त, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 24 में कह रहा है कि किस शब्द में दा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अगर आप दा देखेंगे तो आप सभी को तो मालूम होगा कि प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो था है अंत में तो गलत हो गया, यहाँ पे ता है गलत हो गया, यहाँ पे ता है गलत हो गया, दा किस में है, तो ऑप्शन सी में है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, एक दा। अगला सवाल है धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो अगर आप क्वेश्चन 25 के सही आंसर की बात करें तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए में ही दिया गया है, धर्म जोड़ अंतरम बराबर होता है धर्मांतरम, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 26 में किस पद में अव्ययी भाव समास है, यहाँ पे चार वर्ड दिया गया है, इसमें आप सभी को बताना होगा अव्ययी भाव समास क्या है, तो जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे यथाशक्ति पहला पद इसका क्या होता है, अव्यय होता है। अगला सवाल है कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलाता था, तो ये जो क्वेश्चन है अलस कथा पाठ से लिया गया है, तो मिथिला का मंत्री था जो बृहस्वर, वहीं आलसियों को इच्छा से भोजन दिलाता था और दिलवाता था और क्या देता था, वस्त्र देता था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 में कि कर्त्यते यदा यस्मिन गृहे अग्निर्लगनो अस्ति, अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है, तो कौन से आलसी उक्ति थे व्यक्ति थे जो ये जो उक्ति बोले थे, तो क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, दूसरे व्यक्ति बोले थे, ठीक है, वो बोलते थे कि यहाँ पे कितने ऐसे कैसे कैसे लोग हैं कि हम लोग आग में जल रहे हैं और कोई यहाँ पे आके हमको बाहर भी नहीं निकाल रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन 29 में कि स्त्रियों का रक्षक कौन है, तो क्वेश्चन 29 का सही जवाब पति हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन 30 में कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दिया, आपके मेट्रिक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेट्रिक एग्जाम में 100% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य अपने आत्मतत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया करते थे। अगला सवाल है गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो मधुर विजयम की रचना की थी, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा।
अगला सवाल है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब विजयनगर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 में जो दिया गया है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्गा पोर्गा अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? तो ये जो वर्ड है भारत महिमा पाठ से लिया गया है, और भारत महिमा पाठ का मतलब ही होता है कि भारत देश की महिमा उसमें बताई गई है। तो यहाँ पे स्वर्गा पोर्गा अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? तो भारत देश को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है कि सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म के पूर्व संस्कार जो होते हैं उसको सीमंतोन्नयन संस्कार कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 35 में कि शैशव संस्कार कितने हैं? तो शैशव जो संस्कार होते हैं वो 6 होते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कन्यादान में ही विवाह संस्कार में ही कन्या का दान होता है। और इसके बाद में अगला सवाल है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो उसमें बताया गया है नीति श्लोका पाठ में कि जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना कुछ पूछे बकबक करता है, अविश्वासी व्यक्ति पर जो विश्वास करता है वैसे पुरुष को अधम कहा जाता है, अर्थात मूर्ख कहा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अधम। अगला सवाल है क्वेश्चन 38 में कि सुखवाहा क्या है? तो सुखवाहा जो है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अहिंसा है। इसके बाद में अगला सवाल है, मनोहरा में कौन सी संधि है? मनोहरा का संधि विच्छेद आप कीजिएगा तो मनोह जोड़ हरा हो जाएगा, बराबर मनोहर होगा। तो इसमें जो संधि है, जो अब यहाँ पे देख लीजिए, आसान तरीका अपनाइएगा, मनोहर में दो गो विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए कौन संधि होगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला सवाल है, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? कौन ऐसा इसमें वर्ड दिया गया है जिसमें प्रति उपसर्ग नहीं दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, प्रत्येकम। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रत्येक जोड़ एकम हो जाएगा, इसे प्रतिदिन प्रति दिया गया है, प्रतिभाव भावम ये भी दिया गया है, प्रतियोगिता प्रति दिया गया है, लेकिन ऑप्शन ए में प्रत्येकम दिया गया है, जिसको आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो प्रत्येक जोड़ एकम होगा। तो यहाँ पे प्रत्येक उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पे बोला गया किसमें प्रति उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन ए में नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन 41 में कि सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा? तो इसका जो समस्त पद होगा वो होगा सचिवालय। इसके बाद में है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जिस सामासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो क्वेश्चन 42 का सही जवाब क्या होगा? तो द्विगु समास अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि वृक्षात पत्राणी पतंती यानी वृक्ष पत्ते गिरते हैं, इस वाक में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र के द्वारा लगाई गई है? तो क्वेश्चन में 43 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ध्रुवम पायो अपादानम जो सूत्र का नाम है, इसी के द्वारा इसमें विभक्ति का पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया वृक्षात में। अगला सवाल है, क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? क्रिया का आधार पे कौन सा कारक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अधिकरण कारक होता है। इसके बाद में अगला सवाल है, वयम किस शब्द का रूप है? वयम जो वर्ड है ये किस शब्द का रूप है? तो ये अदस का है, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इसके बाद में है कि जेष्यति किस लकार का रूप है? जेष्यति के लकार के बारे में हम लोग बात करें तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जेष्यति में कौन सा लकार होता है? तो ये लीट लकार होता है, इष्यत इष्यत इष्यन्ति। क्वेश्चन 47 में दिया गया है, किस पद में अक्तिन प्रत्यय लगा हुआ है? यहाँ पे कितन प्रत्यय बोल सकते हैं या अक्तिन प्रत्यय बोल सकते हैं? तो क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सी होगा, गति ही। देखिए अक्तिन प्रत्यय का मतलब होता है किसी भी शब्द के अंत में ति ही जुड़ता है, ठीक है, जैसे गति ही उसका धरती ही, तो इसमें सब में ति जुड़ रहा है तो इसमें क्या हो गया? अक्तिन प्रत्यय हो गया। और इसके बाद में अगला सवाल है, लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो यहाँ पे लघुतरम में है जो है वो तरप प्रत्यय जुड़कर लघुतरम बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, तरप प्रत्यय।
अगला सवाल है क्वेश्चन 49 में, कुमार प्लस डीप से कौन सा पद बनेगा? तो कुमार प्लस डीप जो है, कुमार एक पुल्लिंग शब्द है, डीप यहाँ पे स्त्री वर्ड मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है ये स्त्री स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो क्वेश्चन 49 का सही जवाब क्या होगा? कुमार प्लस डीप का जो प्रत्यय है ये वाला, इसका पॉल ऑफ हो जाता है, डॉल ऑफ हो जाता है, केवल दीर्घकार बचता है। तो कुमार में दीर्घकार लगाएंगे तो क्या बनेगा? कुमारी बनेगा ना, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 50 में कि पीवन में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे सत्री प्रत्यय है, यहाँ पे सानस प्रत्यय बिल्कुल गलत है, क्वेश्चन का सही जवाब सत्री प्रत्यय हो जाएगा। अगला सवाल है, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? राम प्रवेश राम की जो प्रतिष्ठा थी ना वो कहाँ थी? तो अपने राज और केंद्र प्रशासन में थी, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में है कि राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा था? तो उसमें राम प्रवेश राम जो था वो खेल रहा था, ठीक है, जब उसके शिक्षक ने उसको पहली बार देखा था। उसके बाद में क्वेश्चन 53 दिया गया है कि रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए थे? तो रात की जागरण को त्याग कर मूल शंकर अपने घर पर गए थे ना, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, घर पर। उसके बाद में अगला सवाल है, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी? तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तब मूल शंकर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से पुस्तक का संपादन किया था? तो सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक रचनाकार कौन है? तो क्या होगा? स्वामी दयानंद हो जाएगा। और स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी? तो आपको लग रहा होगा संस्कृत भाषा, और यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं दिया गया, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब हिंदी हो जाएगा। अगला सवाल है, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो क्वेश्चन 55 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, तपस्वियों के लिए शोभने शब्द का प्रयोग किए थे श्री रामचंद्र जी ने। अगला सवाल है क्वेश्चन 56 में कि दान धर्मानिकम चरतु भगवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया था? दान धर्मानिकम चरतु भगवान, यानी जो दान का जो धर्म है ये भगवान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, तो ये किसने कहा था? बाघ यह उपदेश किसको दिया था? तो बाघ ये जो बात है वो किसको दे रहा था? तो आप अगर व्याघ्र प्रतीक कथा पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल तरीके से हम आप सभी को सोल्यूशन बताए थे, जिसमें ये जो लाइन है बाघ पथिक नामक लड़का को कहता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पथिक। इसके बाद में हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन 57 को कि न दाव्यतम न दाव्यतम, यह उक्ति किसकी है? तो जब यहाँ पे अंगराज कर्ण शक्र अर्थात इंद्र भगवान को अपना कवच और कुंडल निकाल को जब देती है ना, तो शैल नरेश जो है, शैल नरेश शैल के राजा शैलराज जो हैं अंगराज के सारथी, ये बोलते हैं अंगराज कर्ण को न दाव्यतम न दाव्यतम, यानी नहीं दीजिए नहीं दीजिए। तो यह लाइन किसके द्वारा किया गया है? तो शैलराज के द्वारा कर्ण को कहा गया है, तो क्वेश्चन का सही जवाब शैल हो जाएगा। उसके बाद में शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो क्वेश्चन 58 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गुण का नाश नहीं होता है। उसके बाद में है कि असहिष्णुता का जन्म कौन देता है? असहिष्णुता जो है उसका जन्म कौन देता है? तो द्वेष देता है, द्वेष जो है, द्वेष से असहिष्णुता का क्या होता है? जन्म होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन 60 में कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कौन कराता है? उम्मीद है आप सभी को इसका भी आंसर मालूम होगा कि मनुष्य को कर्तव्य एवं अकर्तव्य का ज्ञान जो है वो शास्त्र कराता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, क्वेश्चन नंबर 60 का। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए कि अति प्लस उत्कृष्टम में कौन सा शब्द बनेगा? अति प्लस उत्कृष्टम शब्द को मिला देंगे तो इससे कौन सा पद बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही जो जवाब होगा ना ऑप्शन ए होगा, अतिउत्कृष्टम। उसके बाद में है क्वेश्चन 62 में किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है और बहुत सारे किताब में इस समास का जिक्र भी नहीं किया जाता है। तो नैया समास का मतलब होता है जिस सामासिक शब्द का पहला पद नकारात्मक हो उसे नैया समास कहते हैं, जैसे अनपढ़ नहीं पढ़ने वाला, अमर नहीं मरने वाला, और न्याय जहां न्याय नहीं हो। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नैया समास।
अरस वाले षष्ठी चनाद्रे सूत्र सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक में हुई है? तो षष्ठी चनाद्रे एक प्रकार का सूत्र है जिसके द्वारा अनुवाद बनाया जाता है। और कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि अनुवाद का वीडियो लाया जाए, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकती हैं। तो ये जो फार्मूला है, ये जो सूत्र है, इसके द्वारा ऑप्शन सी में एक वाक्य बनाया गया है, रुदतः शिशोः माता अगच्छतः। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, एतद सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? तो एतद सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग का जो रूप है ना, वो क्या होगा? तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी होगा ना, एसह। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 65, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिंपल है। अ प्लस ई के मेल से क्या बनता है? तो ए बनता है, यानी ए वाला एकले वाला बनता है। तो अ प्लस छोटी इस के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो छोटी ए बनेगा। अगला सवाल है, अधयवः का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अधयव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा अध प्लस एव बराबर होता है अधैव। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन 67 में कि अच प्लस अंतः की संधि क्या होगी? अच प्लस अंतः दोनों वर्डों को अगर मिला देंगे तो शुद्ध वर्ड जो बनेगा वो अजंत बनेगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अजंत। इसके बाद में अगला सवाल है, चक्रम पाणियो यशस्यसह का समस्त पद क्या होगा? उम्मीद है इसका भी आंसर आप सभी को आता होगा। चक्रम पाणो, चक्र का मतलब चक्र होता है, पाणो का मतलब हाथ होता है, यशस्यसह इसका समस्त पद होता है चक्रपाणी ही, जिसके हाथ में चक्र हो। इसके बाद में ही किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, यानी जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं ना। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इसके बाद में है द्वंद्व समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो द्वंद्व समास के मतलब ही होता है जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे दंपति। अगला सवाल है 71 में कि लक्ष्मी समुद्रात प्रभावत वाक में समुद्रात पद में पांचवी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यहाँ पे समुद्रात जिस प्रकार से होते हैं बालकात, उसी प्रकार से समुद्र में पांचवी विभक्ति लगाया समुद्रात। लेकिन ये जो विभक्ति है ये किस फॉर्मूला किस सूत्र के माध्यम से लगाई गई है? तो भुवः प्रभाव सच्च। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 72 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि रुच्यार्थानाम प्रियमाणः सूत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो रुच्यार्थानाम प्रियमाणः ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है, इसका सही उदाहरण होगा ऑप्शन ए, बलायः क्रीडनम रोचते, अर्थात बच्चे जो है वो खेल के शौकीन होते हैं या बच्चों को खेल अच्छी लगती है। अगला सवाल है, क्रिया का जनक कौन है? तो क्रिया का जनक कौन होता है? तो क्रिया का जनक क्या होता है? तो कर्ता होता है। उसके बाद में अगला सवाल है, अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? अन्वेषणम में अगर आप उपसर्ग की पहचान करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा अनुजोड़वेषणम। तो अन्वेषण में सही उपसर्ग क्या मिल गया? अनु मिल गया। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, अति प्लस अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? तो अति प्लस अधिकम के योग से कौन सा शब्द बनता है? तो ये बनता है दोस्तों अत्यधिकम। अत्यधिकम को कैसे बोल सकते हैं विग्रह में? अति प्लस अधिकम से क्या बनेगा? अत्यधिकम बनेगा। उसके बाद में है, गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? गंगायाम ये जैसे होते हैं बालका नाम, उसी प्रकार से गंगायाम दिया गया है। इस पद में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तो इसमें होगा सातवीं विभक्ति। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब मुनिना हो जाएगा। मुनिना शब्द का जो होता है तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप क्या होता है? तो मुनिना होता है। इसके बाद में अगला सवाल है, भू प्लस धातु के विधि लिंग लकार का रूप क्या होगा? तो भू जो धातु है उसको विधि लिंग लकार जो होता है इसमें उसका रूप क्या हो जाएगा? तो इसमें जो उसका रूप होगा क्वेश्चन 78 में वो होगा भवेत। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में दिया गया है कि हरति किस धातु का रूप है? हरति जो है वो किस धातु का रूप है? तो क्वेश्चन नंबर जो 79 दिया गया है ना, इसका सही जवाब
हव हो जाएगा। देखिए ह और इसी में व हलंत है, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया है अस्थाताव्यम, अस्थाताव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए हो गया है अस्थाताव्यम। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में है कि अक्तवतु प्रत्यय से बना पद कौन सा होता है, यहाँ पे चार वर्ड दिया गया है, इसमें से आप सभी को बताना होगा कौन सा वर्ड होगा जिसमें अक्तवतु प्रत्यय को लगाया गया है। तो क्वेश्चन में 81 का बिल्कुल सही जवाब गतवान हो जाएगा। अक्तवतु प्रत्यय में क्या मिलता है, तो केवल वान मिलता है, तो गत प्लस अक्तवतु बराबर क्या होगा, गतवान होगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में है शिव प्लस अर्ण से कौन सा शब्द बनेगा, तो शिव प्लस अर्ण से क्या बनेगा, तो सैवह यानी ऑप्शन सी वाला बन जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। इसके बाद में है कि जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो क्वेश्चन में 83 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मैट प्रत्यय है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन में 84 में दिया गया है साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है, साध्वी जो पद होता है ये कौन से स्त्री प्रत्यय के मिलने से बनता है, तो क्वेश्चन में 84 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, डीस प्रत्यय। इसके बाद में है कि अध्यापक प्लस टॉप से कौन सा शब्द बनेगा, देखिए पहले अध्याय दिया गया है, इसमें टॉप स्त्री प्रत्यय मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बनेगा, तो अध्याय प्लस टॉप के मेल से कौन सा वर्ड बनेगा, तो ये बनेगा अध्याय। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आसान सा तरीका जानिए का, जिस भी वर्ड में टॉप प्रत्यय मिलाइएगा ना तो ये ट कटेगा प कटेगा, कोई भी वर्ड में मिलाइएगा केवल आकार जुड़ेगा, तो यहाँ पे अध्याय में आकार मिला दिए तो अध्याय हो गया। उसके बाद में कुछ मैं 86 कर रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो कौन से नाम से प्रसिद्ध है, तो ये गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। इसके बाद में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो आप सभी को बताया जाता है, कुछ ऐसे सवाल रहेंगे जिसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मौजूद रहते हैं, केवल आपको ध्यान से समझना पड़ता है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो हम लोग जाने हैं पटना में हुआ था, और इसी क्वेश्चन को बोल दिया गया कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह ना होगा, तो इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल है कि तुष्णिम कथम न तिष्ठ किसने कहा था, तो ये चौथा आलसी बोला था कि तुष्णि कथम न तिष्ठ, ये कौन से बोले थे, चौथा आलसी बोले थे। और इसके बाद में इस संसार में आलसियों का रक्षक अर्थात गति कौन है, तो इस संसार में आलसियों का रक्षक अर्थात गति जो है वो कौन है, तो वो है कारुणिक। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कारुणिक। उसके बाद में है अच्युत राय का काल क्या है, अच्युत राय जो थे उसका काल, उनका जो शासन काल था वो कब था, तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना ऑप्शन सी होगा, षोडशक काल में उनका काल था, उनका समय था। अगला सवाल है गंगा देवी के पत्नी का क्या नाम था, या गंगा देवी के पति कौन थे, सॉरी गंगा देवी की पति कौन थे, यानी गंगा देवी जो पत्नी थी उनके पति का क्या नाम था, तो 91 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कंपन राय के पत्नी का नाम था गंगा देवी। तो पूछा जाएगा गंगा देवी के पति कौन थे, तो कंपन राय, और कंपन राय के पत्नी कौन थी, तो गंगा देवी थी। अगला सवाल है क्वेश्चन 92 में कि सदा डैश सागर रम्या रूपा रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद बनेगा, तो देखिए ये जो आपका लाइन है ठीक है, भारतस्य महिमा पाठ से लिया गया है, उससे बताया गया कि सदा सेविता सागर रूप रम्य रूपा, तो यहाँ पे क्या बनता है, क्या लगता है आपका लाइन में जो था किताब का वहाँ पे क्या दिया गया है, सेविता दिया गया है ना, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सेविता। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया है कि कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे, यानी कब गुरु शिष्यों को अपने स्टूडेंट को उपदेश देकर घर भेजते थे, तो शिक्षा के अवसान में, तो क्वेश्चन नंबर 93 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। इसके बाद में है कि शिष्य का पहला छौरकम कहाँ होता है, तो शिष्य का पहला छौरकम जो है वो कहाँ होता है, पितामह के घर पे होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पितामह के घर पर।
उसके बाद में काम क्रोध और मोह किसके द्वार हैं। आप सभी अगर नीति श्लोक का पाठ पढ़े होंगे तो काम क्रोध और लोभ, या हम ऐसे बोल सकते हैं काम क्रोध और मोह, ये तीनों जो द्वार हैं वो नरक के द्वार होते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नरक। उसके बाद में बिना बुलाए कौन आता है, तो बिना बुलाए मूर्ख व्यक्ति आते हैं ना, खबीस व्यक्ति आते हैं जिसके पास मूठ चेटा नराधम है। तो बिना बुलाए कौन व्यक्ति आएंगे, तो मूर्ख व्यक्ति आएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 96 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ई होगा। उसके बाद में है कि मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए। अब देख लीजिए मूल शंकर के जो बिरजानंद थे वो कौन थे, तो मूल शंकर जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था, और इनके पर्याग चक्षु गुरु थे उनका नाम था बिरजानंद। तो मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे, तो ये बिरदावन में हुए थे ना, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब बिरदावन हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 99 में। क्वेश्चन नंबर 99 को देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे थे 98 को, अब 99 में देख रहे हैं। दिया गया है कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने से दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया था। तो 99 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मूल शंकर की बहन की मृत्यु हो गई थी, अर्थात निधन हो गई थी। उसके बाद में है कि जटा जिनधरा वल्कलोत रवाससह, इस श्लोकांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही जवाब ऑप्शन सी होना चाहिए, काले हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, तो दोस्तों होगा वो काले। तो इस प्रकार से संस्कृत के मॉडल पेपर में जो 1 से लेकर 100 तक के संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था, इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम लोग मात्र 30 मिनट के अंदर में ही हम लोग कर चुके हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं हिंदी के मॉडल पेपर का सोल्यूशन, उसमें भी 100 मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आप सभी को OMR शीट में रंजित करना होगा। तो हे दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस वेबसाइट पे जाके आप सभी मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चन आंसर वहाँ पे सॉल्यूशन के साथ। तो हे दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी, जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए हुए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।